जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद हैं तेरे। बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद हैं तेरे। और देखिए, बोल कि लब आजाद हैं तेरे के पीछे की सोच क्या है, क्योंकि पिछले 5 सालों में बोलना मुश्किल हो गया है, खासकर जो कमजोर दबा हुआ तबका है। यह कार्यक्रम उन लोगों की आवाज है, मगर हमारे राजनेताओं की वो इसकी जरूरत नहीं है। चुनावी मौसम में हमारे राजनेताओं के बोल बद से बदतर होते जा रहे हैं, और आज हम इनके बद से बदतर होते जा रहे बोल और इसके पीछे की सोच की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ इनके बोल नहीं बिगड़ रहे हैं, बल्कि आपको यह देखना होगा कि इनके पीछे जो कॉमन कड़ी है वो क्या है। इनके पीछे जो कड़ी है कि न सिर्फ इनके बोल बिगड़ रहे हैं, बल्कि वो नारी का अपमान कर रहे हैं, वो लगातार नारियों पर हमला कर रहे हैं, पितृ सत्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे रामपुर से, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आजम खान की। आजम खान ने जयप्रदा के बारे में जो शर्मनाक बयान कहा है वो आप भी सुनिए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। अब आजम खान कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कोई ये साबित कर दे कि ये बयान मैंने जयप्रदा के बारे में कहा है कि नहीं। आजम खान जी, इस तरह की चुनौती मत दीजिए, क्योंकि एक इंटरव्यू में जब आपसे पूछा गया था जयप्रदा के बारे में, तब उसी इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि मैं तो जयप्रदा को 17 दिनों में पहचान गया था, लिहाजा आपका यह बयान जयप्रदा के लिए था और किसी और के लिए नहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इसके जरिए आपने किसी और का नहीं बल्कि जयप्रदा का अपमान किया। और चुनावी मौसम बिगड़ रहा है और चुनावी बोल भी लगातार बिगड़ रहे हैं। आजम खान को आपने सुना, अब ये महाशय हैं अश्विनी चौबे। जी हां, केंद्र में मंत्री हैं। इनके बेटे ने आज से ठीक 1 साल पहले रामनवमी के मौके पर दंगा तक करवा दिया था बिहार में, वो बिहार जहां पर दंगे एक अरसे तक नहीं हुआ था। ये अश्विनी चौबे राबड़ी देवी को कह रहे हैं कि आपको घूंघट में रहना चाहिए। सुनिए महाशय को। भाभी जी है, मैं कहूंगा कि आप घूंघट में ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए दोस्तों, ना मेरे लिए घूंघट ना चूड़ी पहनना शर्म की बात है। मुझे लगता है दोनों चीजें ताकत देती हैं, मगर जब आप घूंघट को शर्म का जो है एक प्रतीक मानते हैं तो सवाल खड़े होते हैं अश्विनी चौबे जैसे लोगों पर। यह साबित करता है कि इनकी सोच कितनी निचली है। इसके जरिए आप एक ऐसे शख्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। मैं मानता हूं कि कृपा लालू प्रसाद यादव की थी, मगर क्या इस तरह के बोल बोलना एक नेता को शोभा देते हैं? अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष की ओर। अब आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी पर हमला करने के चक्कर में इन्होंने मां की गाली तक दे दी। यह कोई छुटभैया कार्यकर्ता नहीं, यह कोई ट्रोल नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। किस तरह से ये राहुल गांधी को मां की गाली दे रहे हैं, सुनिए। यही एक पंजाबी आदमी ने देखा, मैं जहां से मांच पटे नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा। परंतु ये शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के MP है। मैंने कहा लिखा क्या बोल के, बोल कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, यानी मैं तो फिर भारी मन से मैं बोल रहा हूँ, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो मगर चोर है। तो आप देख रहे हैं, न सिर्फ इनके बोल बिगड़ रहे हैं बल्कि इन बोलों के जरिए वो महिलाओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। तो चुनावी मौसम है, बोल बिगड़ रहे हैं, और अब हम रुक करना चाहेंगे इस शख्स का। नाम है जीतू वघानी, और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था राहुल गांधी पर, और न सिर्फ राहुल गांधी पर बल्कि उनकी मां पर भी, और मुद्दा था स्तनपान का, ब्रेस्ट फीडिंग पर। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर अब इन्होंने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है।
उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को नाजायज संतान करार दिया है। जो शब्द है वो मैं नहीं बोल सकता, आप खुद सुनिए। बोल के ले जो हवा हराम ज्यादा होने। तो जहां बीजेपी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। बात बराबर हो गई? नहीं साहब, बात बराबर नहीं हुई, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो हमारे बच्चे सुनते हैं। आप जो बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे आप देश की नारी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हर गाली के पीछे वही सोच सामने दिखाई देती है। और ये तो वो जीतू वघानी हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले इस तरह का शर्मनाक बयान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दिया था। आप खुद सुनिए। जनता दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान मातृत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई इसके बारे में भी निम्न सोच, घटिया सोच रख सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर हमारे नेता जो हैं वो तमाम हदों को पार करने को तैयार हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जब सबसे ऊंचे लेवल से हमारे राजनेताओं को संरक्षण मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तब यही होता है। याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जमाने में मरहूम सुनंदा पुष्कर के बारे में कहा था कि क्या आपने देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? यही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के एक सांसद को टंच माल तक बोल दिया था। मेरी पुराना जौहरी हूं राजनीति के। थोड़ी सी बात फर्क हो जाता, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टंच माल है। तो आप देख सकते हैं कि जब बोल इस तरह से बिगड़ते हैं तो यकीनन जो चुनावी संवाद है उसका स्तर तो गिरता है, मगर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक मुद्दा है कि नारी का अपमान हर बार होता है। हर बार जब आप इस तरह की गालियां देते हैं तो निशाने पर देश की औरत होती है, वो औरत जिसका कोई मजहब नहीं, वो औरत जिसकी कोई सियासी सोच नहीं। तो अगली बार जब भी आपका नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, याद रखिएगा निशाने पर हमारे ही परिवार की महिलाएं हैं और कोई नहीं है। और याद यह भी रखिएगा कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, मगर जबान संभाल के।